अगर आपका YouTube चैनल अंडर रिव्यू में जाने के बाद आपको YouTube की तरफ से एक ईमेल आया है जिसमें लिखा हुआ है कि योर चैनल इज नॉट अप्रूव्ड फॉर द YouTube पार्टनर प्रोग्राम, जिसका मतलब है कि आपके YouTube चैनल पर कोई गड़बड़ी है, या फिर आपका YouTube चैनल हमारी पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है, या फिर आपके YouTube चैनल पर कोई रीयूज्ड कंटेंट है जिसकी वजह से आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया गया है। रीयूज्ड कंटेंट का मतलब होता है कोई ऐसी वीडियो या फिर ऑडियो जो कि YouTube पर पहले से ही अपलोड हो और आपने उसको अपलोड कर दिया हो। रीयूज्ड कंटेंट की प्रॉब्लम हमारे YouTube चैनल पर भी थी, जिसको हमने चुटकियों में सॉल्व कर दिया और उसके बाद एक महीने बाद दोबारा से रीअप्लाई किया, जिससे हमारा YouTube चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया। कृपया ध्यान दें, अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव्ड नहीं होता है तो उसके बाद आप एक महीने बाद ही दोबारा से रीअप्लाई कर पाओगे, ठीक है। इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, बट उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं आपके यूट्यूब चैनल पर ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हो पाया। यह चेक करने के लिए आपको अपने यूट्यूब के अकाउंट को क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना पड़ेगा। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र में ओपन करोगे, आपको ऊपर 3 डॉट का आइकन आ रहा है, ठीक है। इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही 3 डॉट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करोगे, आपका यूट्यूब का अकाउंट डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा रहा है बैक टू यूट्यूब स्टूडियो, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप बैक टू यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करोगे, ये किस इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। अब ये यूट्यूब का स्टूडियो बीटा वर्जन लोड हो रहा है। जैसे ये लोड होता है, उसके बाद आपको बताएंगे कि अब आगे क्या करना है। अब ये लोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर डॉलर का आइकन दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आपको ये डॉलर का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, आपको इस डॉलर के सिंबल पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस डॉलर के सिंबल पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर जो भी आपके चैनल पर दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो पाया है, वो आपको दिक्कत यानी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे कि रीयूज्ड कंटेंट के कारण आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हो पाया, या फिर कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपके चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट के कारण आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो पाया है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व कैसे करें जिससे हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए। तो इसके लिए आपको ऊपर 3 डॉट के आइकन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लासिक वर्जन में आ जाएंगे, ऊपर 3 डॉट का आइकन आ रहा है, इस पर मुझे क्लिक करना होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, डेस्कटॉप साइट को हटा देता हूँ। इस पर क्लिक करके हम दोबारा से YouTube के क्लासिक वर्जन में आ जाएंगे। तो देखिए, हम YouTube के क्लासिक वर्जन में आ चुके हैं, ओके। तो चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको वीडियो मैनेजर का, ओके। आप जैसे ही वीडियो मैनेजर पर क्लिक करोगे, आप लेफ्ट साइड में देख सकती हो कि कॉपीराइट का नोटिस दिखा रहा है और राइट साइड में कॉपीराइट का नोटिस नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट की वीडियो होगी तो यहाँ पर कॉपीराइट का नोटिस दिखा देगा। अगर आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट की वीडियो नहीं होगी तो कॉपीराइट का नोटिस नहीं दिखाएगा। आप सिंपली वीडियो मैनेजर में जाके अपनी वीडियोज़ को देख सकते हो कि आपके चैनल पर कोई कॉपीराइट की वीडियो है या फिर नहीं है। अगर आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट की वीडियो होगी तो उसे तुरंत डिलीट कर देना, ठीक है। उसके बाद ही मोनेटाइजेशन के लिए रीअप्लाई करना, जिससे आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए। अगर आपके यूट्यूब चैनल पर कोई ऐसी वीडियो है, जैसे कि टिकटॉक की वीडियो या फिर कोई ऐसी वीडियो जिसमें आपने 10 सेकंड या 15 सेकंड के लिए कोई गाना यूज़ कर लिया है, अगर उस पर कोई कॉपीराइट का नोटिस नहीं है, तो उसे डिलीट मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। अपना YouTube चैनल जल्दी से मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए आपको अपने YouTube के लोगो पर क्लिक करना होगा। जैसे आप उस पर कोने पर क्लिक करोगे, ठीक है, अब आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा योर चैनल का, आपको योर चैनल पर क्लिक करना होगा। जैसे आप योर चैनल पर क्लिक करोगे, आपका YouTube का जो अकाउंट है ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर हेल्प एंड फीडबैक, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप हेल्प एंड फीडबैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो आप देख सकते हो मुझे ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है। आपको ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर सेंड फीडबैक, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेंड फीडबैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपको अपना कंसर्न लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। आप लिख सकते हो कि माय चैनल इज़ अंडर रिव्यू, प्लीज़ मोनेटाइज माय चैनल,
ये सब लिखने के बाद आपको ऊपर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। ओके, ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमें उम्मीद है आपका यूट्यूब चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स करें, और इस तरह की अमेजिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय।